نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون كما قال الله تبارك وتعالى بزرگو دوستو اور میرے دینی بھائیو جو آج کل مہینے چل رہے ہیں اس سے پہلے مہینہ گزرا ذی‌الحجہ کا ये महीना गुजर रहा है कुर्बानी का और अंग्रेज़ी के एतबार से महीना आया है अगस्त का जिसमें 15 अगस्त का दिन है। ये सारे महीने और दिन हमें कुर्बानी याद दिलाते हैं। ज़िलहिज्जा के महीने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियाँ दीं, पैदाइश के बाद से लेकर आखिर ज़िंदगी तक उनको घर बार छोड़ना पड़ा, उनको अपना वतन छोड़ना पड़ा, अपनी औलाद और को वहाँ वादी गैर ज़रा वहाँ पर छोड़ना पड़ा, आग में उनको डाला गया, फिर अपने औलाद को कुर्बानी करने के लिए गए। किन किन हालात से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं गुजरे जी। इन हालात से गुजरने और गुजारने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम के बारे में कहा कान उम्मतन कानितन लिल्लाही हनीफा। एक हजरत इब्राहीम को एक उम्मत करार दिया, एक उम्मत यानी जो औसाफ और सिफात और अखलाक जो कुछ एक उम्मत में पाए जाते हैं ये सारे औसाफ और अखलाक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मौजूद थे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उम्मत करार दिया उम्मतन कानितन लिल्लाही हनीफा। इसके अलावा ये भी मलहूज रहना चाहिए कि जिन जिन हालात मुसीबतें और मशाकिल से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं इन मुश्किलों से गुजरने के बाद कोई उम्मत कहला सकता है, यानी जितनी पूरी उम्मत इन मुसीबतों से नहीं गुजरती होगी इन सारी मुसीबतों से हजरत इब्राहीम गुजरे हैं तब उनको उम्मत का लकब दिया गया है जी, उम्मत का लकब दिया गया है। और खुद मुहर्रम का महीना देख लीजिए, मुहर्रम के महीने के बारे में जितनी तकरीरें हुई हैं सबकी कुर्बानियां रही हैं, आखिर में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी एक अलामत है, एक निशानी है, एक तलमीह है इस बारे में किस क्या कि बगैर कुर्बानी के करबला जिंदा नहीं होता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कुर्बानी देनी पड़ती है।
किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बाद वाली आने वाली नस्ल फिर जो है उससे लुत्फानंदोज हुआ करती, लेकिन कुर्बानी देनी पड़ती है। हजरत इब्राहिम की पूरी जिंदगी देख लीजिए और अल्लाह के रसूल की जिंदगी देख लीजिए, हर किसी बड़े आदमी की जिंदगी आप देखेंगे तो उनकी जिंदगी की तहों में पाएंगे कि उन्होंने पहले हजारों कुर्बानियां दी हैं तब वो बड़े बने हैं। कुर्बानियां रंग लाती हैं, कुर्बानियां रंग लाती हैं। हम बगैर कुर्बानी के अगर हम चाहें कि कुछ बन जाए, नहीं हो सकता। दीन के लाइन में हो या दुनिया के लाइन में हो, बगैर कुर्बानी के जिस लाइन में बड़ा बनना चाहता है वो नहीं बन सकता। कुर्बानी देनी पड़ेगी, जान की, माल की, औकात की, इज्जत की, आबरू की, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देने के बाद तब आदमी कुछ बनता है। खुद फिर उसके बाद उसकी औलाद, उसकी नस्ल, उसके बाद में आने वाली पूरी उम्मत, तब फिर वो कहलाती है उम्मत, कहलाती है उसके मानने वाले, वो उम्मत कहलाती है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के रसूल की जिंदगी, हजरत हुसैन की जिंदगी देख लीजिए, कुर्बानियों के बाद ही कुछ आती है। हम जिन हालात से अभी गुजर रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात जी और पूरी दुनिया के हालात ये देख लीजिए, खुद हमारे अंदर के हालात, माशी हालात, दीन के हालात वो देख लीजिए, कोई इतने हमारे हालात कोई खुशकुन नहीं है, उम्मीद अफजा नहीं है कि हमारी दीन वाली ज़िंदगी, हमारी दीनदारी इस कदर हो जो उम्मीद अफजा हो अल्लाह के यहाँ हम इससे उम्मीद कर सकते हो, सिवाय इसके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अरे तुम चाहे जितने गुनहगार क्यों ना हो फिर उस अल्लाह तबारक ताला से उम्मीद रखो, चूंकि बख्शने वाला वही है, कोई दूसरा नहीं है। और अल्लाह तबारक ताला भी फरमाते हैं कि चूंकि मेरा बंदा इसका इकरार करता है कि मेरा के माफ़ करने वाला अल्लाह ही है, माफ़ करने वाला अल्लाह ही है, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, सिवाय इसके हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं, खुद हमको अपने ऊपर शर्मिंदगी होगी। हमारी ज़िंदगी देख लीजिए, ज़माने जाहिलियत में जो कुछ था अभी हमारे इस माहौल में वो सब कुछ पाया जाता है। गैर तो गैर, हमारे अंदर भी, हम मुसलमानों में जो इस्लाम के दावेदार हैं, हमारे अंदर वो सब कुछ पाया जाता है। दौरे जाहिली में इस्लाम से पहले क्या नहीं था, जो कुछ था वो आजकल है। उसमें सूदखारी थी, जनाकारी थी, कमज़ोरों को दबाया जाता था, रिश्वतखानी थी, रिश्वत सतानी थी, पता नहीं औलाद तो बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, सारी बुराइयां थी। वो बुराइयां अब भी है। अगर उस ज़माने को हम दौरे जाहिली कहते हैं तो क्या इस ज़माने को नहीं कहेंगे? हमारे आसपास में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में हमारा भाई वो सब कुछ करता है जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हुआ करती कि अपने भाई को हम कुछ कहें कि अल्लाह तबारक ताला ने मना किया है। क्यों? इसलिए कि हमें अपने इज्जत आबरू की फिक्र है, हमसे उसका रिश्ता टूट ना जाए, हमारा उसके जो ताल्लुक है किसी इक्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से, पैसों के एतबार से वो बिगड़ ना जाए। इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए हम अपने भाई को कुछ नहीं कहते जी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी परेशानियां उठाकर दीन को आम किया है, फिर हम आज दीनदार कहलाते हैं, नाम लेवा हैं, अगरचे हमारे अंदर दीन नहीं, शर्म आनी चाहिए। जिस नबी के, जिस रसूल के हम मानने वाले हैं, जिसकी मोहब्बत के दावेदार हैं, उसके दीन को हमने कितना अपनी ज़िंदगी में उसको बसाया है, उसका हम ये अमल कर रहे हैं, और कितना हम अपने माहौल में देखते हैं, अगर हम नहीं देखते हैं तो हमको अफसोस होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, जिसका हम दावेदार हैं फिर हम उसको नहीं करते तो कितनी शर्म की बात है। जिसकी, अरे हम अपने बाप के बेटे हैं, अपने बाप को हम बाप न कहें तो शर्म आनी चाहिए ना, अपने बाप की लाज न रखें तो शर्म आनी चाहिए ना। हर कोई बुरा कहेगा, पूरी सोसाइटी बुरा कहेगी, माहौल बुरा कहेगा। जिस नबी के मानने वाले हैं, दावेदार हैं मोहब्बत के, उस नबी के एक हुक्म को हम पामाल कर रहे हैं, एक एक हुक्म को, तो हमें कोई बुरा कहने वाला नहीं, हमें कोई बुरा कहने वाला नहीं। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी से मोहब्बत है जी। कितने हमारे अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक ताला के अहकाम हम तोड़ें अपनी ज़िंदगी में। बुज़ुर्गों और दोस्तों,
हमारे मुल्क में जो हालात आए हुए हैं ऐसे ही नहीं हालात आए हैं, हमारे इन बुरे हालात की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, अल्लाह तबारक ताला के एक एक हुक्म को तोड़ने की वजह से ये हालात हमारे ऊपर आते हैं। इसके जिम्मेदार हमारे वो भाई नहीं है, अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है। तुम बिगड़ोगे तुम्हारे ऊपर हम अजाब मुसल्लत करेंगे। अगर तुम्हारे दरमियान कोई दीनदार भी होगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला भी होगा, अगर तुम्हारी बुराइयों पर वो तुमको रोक टोक नहीं करेगा, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए कि वो अपनी आंखों से देखता है कि उस खुदा के अहकाम तोड़े जा रहे बरमला, लेकिन उसकी पेशानी पर बिल्कुल कोई बल नहीं आती। वो बुरा भी कहने को तैयार नहीं, अरे बुरा समझने को भी तैयार नहीं कि वो गलत कर रहा है, बल्कि उसको हुनरमंद समझ रहा है कि वो देखो कितना क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं करके क्या कितने को बेवकूफ बना के चला जाता है, कितना हुनरमंद, उसको हुनरमंद समझा जाता है। बुजुर्गों और दोस्तों, हालात बहुत खराब हैं हमारे अपने अंदर, दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, माशी के एतबार से, इक्तसादियात के एतबार से हालात हमारे बहुत बुरे हैं। इसलिए ये हालात हमारे ऊपर आते हैं। कहीं की भी हालात हों, नूह के हालात हों, कहीं की भी हालात हों, ट्रेन की भी हालात हों, ये हमारे गुनाहों की सजा है, ये हमारे गुनाहों की सजा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने एक कमांडर को, कमांडर इन चीफ को लिखा था खत कि देख लो, तुम खुदा की राह में जिहाद करने के लिए जाते हो, लेकिन खुदा का हुक्म कभी मत तोड़ना, खुदा का हुक्म कभी मत तोड़ना। तुम ये मत समझना हमको कामयाबी, फतो, नुसरत खुदा की इताअत बर्दारी से, फरमा बर्दारी से मिला करती है। तुम गुनहगार हुए तो तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तकवे को हमेशा मलहूज रखना, खुदा का खौफ और खुशियत हमेशा मलहूज रखना। हमको अगर फतो नुसरत मिलती है खुदा के खौफ और खुशियत से, उसके इताअत फरमा बर्दारी से, यही सबसे हमारी सबसे बड़ी कुव्वत और ताकत है। वरना तुम्हारे दुश्मन तादाद के एतबार से, असलहा के एतबार से तुमसे कहीं ज्यादा हैं। अगर गुनाहगारी में, गुनाह में तुम, हम और वो अगर दोनों बराबर हो गए तो ताकत उनकी ज्यादा है, असलहा उनके ज्यादा है, तुम कभी फतो कामयाब नहीं हो सकते हो। हमेशा तकवे को मलहूज रखना, हमेशा तकवे को, खुदा के खौफ को मलहूज रखना, यही असल तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारे हथियार है। अगर तुमने इसके खिलाफ किया तो दुश्मन पर कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारी जिंदगी में दीन नहीं है, हमारी जिंदगी में दीन नहीं है तो बोलिए हमारी नुसरत होगी, फतेह होगी, नहीं हो सकती है। अल्लाह हमको सजाएं, अल्लाह हमारे कान पकड़ के अल्लाह तबारक तआला बेदार करवाना चाहता है। अरे कुछ तो समझो, तुम्हें तो होश आना चाहिए। तुम्हारे भाई को मारा जा रहा है, तुम्हारे भाई को सताया जा रहा है, क्या क्या नहीं किया जाता है, तुमको कुछ दर्द नहीं, कुछ एहसास नहीं, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। तुमको हम बेदार करते हैं, होश में आ जाओ, कबल इसके कि तुम्हारे ऊपर भी हालात आते हैं, हमारे ऊपर भी आए हैं, आते रहे हैं, कभी हमारे दूसरे भाई पर आ रहे हैं, कल हमें भी आ सकते हैं। अल्लाह ना करे कि आइंदा हमारे ऊपर ऐसे हालात आए, लेकिन हालात जो देख रहे हैं हम बहुत दिगरगु हैं। इसलिए हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए कि इन हालात से बचने के लिए अपने ऊपर दीन को नाफिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमारा, हम किस खुदा के किस हुक्म को हम बजा लाते हैं, किस हुक्म को हम तोड़ते हैं। जी अल्लाह, मैंने आयत पढ़ी थी क्या, सब्र से काम लो, अल्लाह से मदद चाहो सब्र के जरिए, अल्लाह से मदद चाहो नमाज के जरिए, बगैर इसके इन्नल्लाह मा साबिरीन, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक ताला हुआ करता है, फतो नुसरत उन्हीं के साथ हुआ करती है। और यहां देखिए इस्तईन बिस्सब्री वस्सलाह, असल में उलमा जो सब्र की तारीफ करते हैं, कुछ तीन तरह का सब्र होता है। एक सब्र तो ये है कि मुसीबत आए, इसको पहले नहीं बयान करते हैं, मुसीबत पर सब्र करने को पहले बयान नहीं करते, याद रखिए। सब्र के वहाँ मानव क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक को ताला की इताअत करना, अल्लाह तबारक ताला की फरमा बरदारी करना, सब्र के माने जमने के होते हैं, साबित कदम रहने के हैं। अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी पर जम जाओ गुनाहों के मामले में, अल्लाह ताला की नाफरमानी के मामले में तुम्हारे कदम डगमगाए ना, खुदा के हुक्म को बिल्कुल अपने आगे रखो, डरो खुदा। एक तो यह है कि अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी करो, दूसरा सब्र यह है कि अल्लाह की नाफरमानी मत करो,
दूसरा सब्र क्या है, क्या है? अल्लाह की नाफरमानी मत करो। तीसरा सब्र यह है कि मुसीबतों में जमे रहो, साबित कदम रहो, बिल्कुल तुम पीछे मत हटो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखो। पहले यह है कि इताअत करो, फरमा बरदारी करो, उसके बाद गुनाहों से बचे रहो। तीसरा क्या है कि मुसीबत आए तो फिर साबित कदम रहो। ये बाद की बात है मुसीबत वाली, पहले तो मुसीबत आएगी नहीं। अगर इताअत करोगे, गुनाहों से बचोगे, मुसीबत नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो खुदा से उम्मीद रखो, साबित कदम रहो, सब्र करो, अल्लाह ताला देगा। और इन्नल्लाह मास्साबिरीन, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को देता है, देता साथ होता, अल्लाह ताला साथ होता है। मुख्तलिफ मौकों से हमने देखा और सुना भी है कि अल्लाह ताला ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। फिर आगे फरमाते हैं कि हम तुमको आजमाएंगे, आजमाएंगे, हर तरह से आजमाएंगे। वल नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ, खौफ देंगे, भूख मरी भी देंगे, सब कुछ देंगे। और नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, तुम्हारे माल में, तुम्हारी तिजारत में, तुम्हारी काश्तकारी में, तुम्हारे पेशे में, हर चीज़ में तुम्हारी कमी आएगी। चाहे कमी हमारे गुनाहगारों, हमारे गुनाहों की वजह से हो, चाहे किसी ने हमको धोखा दिया हो, चाहे किसी ने हमको हमारा हम डाका डाला हो, कुछ भी किया हो, कैसी भी हो, हमारी खेती में, सारी चीज़ों में कमी आएगी जी, कमी आएगी। फिर फरमाया बशीर साबिरीन, यहाँ भी सब्र करने वाले, हर तरह की कमी आएगी, तुम सब्र का दामन मत छोड़ना, अल्लाह से उम्मीद रखना। देने वाला, देने वाली जात अल्लाह की, अगर दुनिया में नहीं भी दिया तो आखिरत में ज़रूर देगा। दुनिया तो चार रोज़ा ज़िंदगी है, चार रोज़ा ज़िंदगी है दुनिया, यहाँ भी कुछ न मिला तो क्या हुआ, असल तो हमेशा की ज़िंदगी में मिलने वाली ज़रूर है, अल्लाह उसके रसूल का वादा है, हमें इसका यकीन है। आगे फरमाया सब्र करने वाले कौन हैं, अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई मर जाता है तो हम सिर्फ पढ़ देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम क्या समझते हैं उसके पढ़ने के लिए हमने दुआ, उसके मरने के बाद उसके लिए हम दुआ, हमने दुआ कर दी जी? नहीं, ये उसके लिए दुआ नहीं है, ये तो अपने लिए, अपने को तसल्ली है जी, अपनी हिम्मत अफजाई है और फिक्र आखिरत है कि अपने को भी मरना है, ये बात दोहराई जा रही है। उसके लिए ये बात नहीं है, जो मर गया उसके लिए उसमें कुछ नहीं है, ये तो अपने लिए है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा भाई गया, वक्ती तौर पे उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल कहा जाता है, इंतकाल के माने इस दुनिया से गया, लेकिन आखिरत में गया, अपने महबूब के पास गया, अल्लाह ताला के पास गया। कुछ दिनों बाद हम भी उसके पास चले जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, वो हमारे भाई हमारे दरमियान अमानत के तौर पर थे, अल्लाह ने अपनी अमानत हमसे ले ली। हमें दुख अगरचे तबी तौर पर, फितरी तौर पर हो तो हो, लेकिन क्या है तो अल्लाह की अमानत। अगर किसी ने पैसे हमको रखने के लिए दिए हों, अगर वह पैसे हमसे मांगे तो हमें दुख होगा, हमें तकलीफ होगी। अल्लाह ने अमानत के तौर पर दी थी, हमारे भाई, हमारे वालिदैन, हमारे हमारी औलाद, कुछ भी हो, अल्लाह ने बुला लिया और फरमाया इन्ना लिल्लाहि। हम भी तो अल्लाह के हैं, हम भी, अल्लाह ने हमको भी रखा, हमको भी इन्ना इलैहि राजिऊन, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। कल हम इंशाल्लाह उससे मिल जाएंगे, और कल जाना है तो फिर कल जाने की तैयारी करनी अपने लिए। ज़ादेराह तोशा आदमी कहीं जाता है सफ़र में, ये तो बड़ा ख़तरनाक सफ़र हुआ करता है, अपना ज़ादेराह और तोशा तैयार करता है। और मोमिन का ज़ादेराह और तोशा क्या है, उसके आमाल है, उसके आमाल है, उसके आमाल अच्छे होंगे, ज़ादेराह और तोशा अच्छा होगा तो आखिरत की ज़िंदगी अच्छी होगी, और अगर आमाल अच्छे नहीं होंगे तो आखिरत की ज़िंदगी उसकी अच्छी नहीं होगी। तो इदा असाबतुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये असल माने होते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस मरने वाले पर कोई फातिहा खानी नहीं है, उसके लिए हम दुरूद नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए बख्श नहीं रहे हैं कि उसको सवाब मिल जाएगा हमारे इस पढ़ने से, नहीं। वो मौत को याद करो, तुमको भी मरना है, जाना है, हर हाल में जाना है, कोई मारे तब जाना है, अल्लाह मारेगा तब जाना, जाना ही जाना है, कैसे भी मौत आएगी जाना है, कोई मारे या खुद मरे जाना ही जाना है, हमें इसको याद अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अक्सिरु ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, यानी मौत, मौत को कसरत से याद करो। तुमको मरना है, दूसरे को देख रहे हो वो मर रहा है, उसको लहाया नहलाया जा रहा है, उसे कफन दिया जा रहा है, उसको तुम अपने हाथों से दफन कर रहे हो, तो मौत को तो याद करो, मौत को तो याद करो, हमको भी मरना है, उस कब्र में जाना है, हमको भी दफन किया जाएगा, वहां तो कुछ नहीं होगा सिवाय हमारे अमाल के,
सिवारे हमारे आमाल के और कुछ नहीं होगा। ये हमें अल्लाह के रसूल ने भी बताया अक्सरु ज़िक्र हादिम लज़्ज़ात अल मौत के जरिए से, और खुद इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर हम हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि तू भी मरा मेरा भाई, तुम जा अल्लाह के यहाँ, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तेरी आकिबत बेहतर से बेहतर बनाए, और अपने लिए भी तैयारी करनी है इसमें कि इन्ना इलैहि राजिऊन, हमको मर कर जाना है, हमें मर कर जाना है जी। तो अपनी जिंदगी में हमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी। ये महीने इसी के गुजर रहे हैं, ये महीने हमें याद दिलाते हैं कि हजरत इब्राहिम की कुर्बानियां देखो, अल्लाह के रसूल की कुर्बानियां देखो, हजरत हुसैन की कुर्बानियां देखो। इन कुर्बानियों के बाद आज उनका नाम लिया जा रहा है, उनके मजहब मिल्लत को कायम रखा गया है। अगर हम भी अपनी कुर्बानियाँ देंगे, हमारी जिंदगी भी बेहतर होगी, हमारे आने वाली नस्लों और औलाद की जिंदगी बेहतर होगी। अगर हमारी कुर्बानी नहीं होगी, हम बिगड़े, हमारी औलाद बिगड़ेगी, आने वाली नस्ल बिगड़ेगी, और ये पूरी नस्ल क़यामत के दिन हमारे गरेबान पकड़ेगी कि तुम्हारे बिगड़ने की वजह से हम बिगड़े, तुम हमें यहाँ लेकर आए हो, वरना तुम अच्छे होते तो हम यहाँ क्यों आते, हम भी जन्नत जाते, तुम भी जन्नत जाते, और वो औलाद फिर सदक़े जारिया नहीं बनेगी हम अगर अच्छे नहीं हुए। हमें अच्छा बनना है, हमें अपनी ज़िंदगी संवारनी है, अपने आमाल संवारने हैं, अपने अखलाक संवारने हैं, हमारा दीन भी अच्छा हो, हमारी दुनिया भी अच्छी हो, हमारे मामलात भी अच्छे हों, हमारे अखलाक भी अच्छे हों। अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो फिर समझिए कि हम अच्छे नहीं हैं। हम अच्छों को अच्छा कहते हैं लेकिन हम खुद बुरे हैं, हमको ये समझ में नहीं आती ये बात, हमको तो भी कोई बुरा कहता है। अरे हर कोई अच्छे को अच्छा समझता है, हर आदमी कितना बुरा क्यों ना हो अच्छा को अच्छा कहता है, बेवकूफ़ खुद बुरा होता है और अच्छे को अच्छा कहता है, ये नहीं समझता कि मुझे कोई दूसरा बुरा कहता होगा, नहीं कहता है, कहता है, हर कहता है, हर आदमी अच्छे को अच्छा कहता है, अच्छा को अच्छा समझता है और बुरे को बुरा कहता है और बुरा समझता है, उस पर थू थू करता है, नालायक भी कहता होगा, पता नहीं क्या क्या लान तान वो पीछे करता भी होगा उसके पीछे, लेकिन वो नहीं समझता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, हम क्या कर रहे हैं, किसका हुक्म तोड़ रहे हैं, हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं, वो नहीं समझता है और हम नहीं समझते हैं। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारी अपनी इस ज़िंदगी की भी संवारने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी आखिरत भी संवारे, हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के रसूल की सारी कुर्बानियाँ, सहाबा की सारी कुर्बानियाँ, हज़रत इब्राहिम की कुर्बानियाँ, हज़रत हुसैन की कुर्बानियाँ, ये हमारी ज़िंदगी संवारने और बनाने के लिए थी। अगर हमारी ज़िंदगी नहीं बनी तो हम समझे कि इन सारे लोगों की हमने नाफरमानी की, ये सब भी हमारे गरेबान पकड़ेंगे, हमने तुमको करके दिखाया, हमने करके दिखाया, सारी कुर्बानियाँ हमने तुम्हारे लिए दी और तुम ऐसे रहे, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी, तुम्हारा दीन ऐसा, तुम्हारी दुनिया ऐसी, तुम्हारे अखलाक ऐसे, तुम्हारे मामलात ऐसे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, बना लीजिए दुनिया को, दीन बन जाएगा, दुनिया हमारी बिगड़ेगी, समझिए कि हमारा आखिरत भी बिगड़ जाएगी। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।